हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन भाई साहब हम ये नहीं मानेंगे कि बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि एक आदमी सवाल पूछता है, दो आदमी जवाब देते हैं और तीसरा तपाक से आके कहता है दिल्ली में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ये एबीपी न्यूज की पड़ताल है, एबीपी न्यूज के दिल्ली वाले ऑटो राजा की पड़ताल है, और ये उस व्यक्ति की पड़ताल है जिस पर आपने पिछले 15 सालों तक भरोसा किया है। उनके भरोसे पर जब तक सरकार के दावे खरे नहीं उतरते हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे दिल्ली में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं सनसनी स्टार श्रीवर्धन त्रिवेदी जी की। श्रीवर्धन जी, दिल्ली का चुनाव आ गया है, सरकार कह रही है सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी नजरों से दिल्ली देखेंगे, क्या मानना है आपका? जी, तो सन्नाटे को चीरते हुए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के उस इलाके में जिसका नाम है पुरानी दिल्ली, और आज हम निकले हैं अपनी खास मुहिम पर। आज हम मिलकर करेंगे तहकीकात, करेंगे पड़ताल उन तमाम वादों की और दावों की जो हर सरकार चुनाव से पहले करती है। तो अब आप मुझे बताइए कि अब हम यहाँ से कहाँ चले। सबसे पहले तो आप अपने ऑटो की सवारी करिए, क्योंकि दिल्ली वाले ऑटो राजा हैं, और आपकी कसौटी पर जब तक सरकार के दावों की पड़ताल नहीं कर लेते तब तक हम नहीं माने। इसलिए आज हमारा पहला पड़ाव है दिल्ली का चांदनी चौक। चांदनी चौक, आइए तो चलते हैं हम और आप दिल्ली के चांदनी चौक। ऑटो में सवार होकर एबीपी न्यूज की चुनावी टीम चल पड़ी है चांदनी चौक की ओर। श्रीवर्धन जी, आपको याद होगा जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद नेता कहां कहां से प्रकट होने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जैसे ही आपने सही कहा, जैसे ही चुनाव आते हैं नेताओं के वादों के पिटारे खुल जाते हैं, तरह तरह के आंकड़े सामने आने लगते हैं। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई क्या ये आंकड़े दरअसल ये तैयार कौन करता है। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है फव्वारा चौक, और जब उस चौक पर एबीपी न्यूज के ऑटो राजा पहुंचे तो लोगों की भीड़ जमा हो गई, और इसी भीड़ के साथ शुरू हो गई चांदनी चौक इलाके में चुनावी चर्चा। कभी आप लोग किसी दूसरी सरकार को, दूसरी पार्टी को कोसने के अलावा कुछ करेंगे? नहीं नहीं, हम बताओ, मोदी जी ने कहा जी जहाँ जुगती वाला काम, आप लोग एक मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नाम आपको समझ में आता है? सर, ये तो दिल्ली में रह रहे हैं, ये तो दिल्ली में रह रहा है, चुकी वगैरह जा चुकी वहाँ वगैरह बात थोड़ी दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है ना जी, ठीक है। और ये जो अनोत्वाज करोली थी जी, वहाँ पे उनको पक्का कर दिया जी, मोदी जी पर सारी पक्की नहीं हुई है सर। और इस चर्चा में शामिल हो गए बीजेपी के चांदनी चौक से उम्मीदवार सुमन गुप्ता। चर्चा के दौरान हुआ क्या ये आप खुद देखिए। आप जो सज्जन हैं, आप दो बार यहाँ से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, आप सुमन गुप्ता जी हैं, और आप सुमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो देखिए, सन्नाटे को चीरते हुए आज मैं चांदनी चौक पहुँचा हूँ। चांदनी चौक की दुर्दशा भी देखी आपने, वादों का एक पुलिंदा, एक पिटारा खुल जाता है, ठीक है, भानुमति का पिटारा होता है, लेकिन दरअसल ये अपने वादों पर कितने खरे उतरते हैं सरकार बनने के बाद। सर, मैं औरों की तो बात करता नहीं, 2007 से 12 तक मैं यहाँ कौंसलर रहा हूँ चांदनी चौक से जी, और चांदनी चौक में जो मैंने विकास कार्य किए हैं वो आपको उंगलियों में दिलवा सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। मुझे किसी पार्टी से कोई कहना नहीं किसने क्या किया, किसने क्या किया। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ आपने सब कुछ कर दिया तो फिर 67 सीट केजरीवाल को क्यों दे दी जनता ने? सवाल तो ये है, ये सवाल इसलिए है, दिल्ली में बाहर से बहुत लोग आए, केजरीवाल ने हर बात को फ्री फ्री फ्री, हमें तो फ्री कुछ नहीं मिला, आम आदमी पीछे हुआ सबका। अच्छा, जो इनिशिएटिव केजरीवाल ने लिया, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, आपकी तो सरकार हम भी फ्री करें, फुल मैंडेट में हम भी फ्री करें, नहीं अगर वो मैनेज कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं है, धोखा है। गर्दन जी, आपने जनता की बात की है, जनता की बात की है, ये जनता है, ये जनता, बताइए बताइए आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया जी सर,
इधर आइए, ऐसे आइए, जो इसके अगेंस्ट है उनको भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है, पानी का हर चीज का मिल रहा है भाई साहब, कोई मिलो सर, बिजली का बात पूछा, आपको कहीं ना कहीं तो सुविधा मिल रही है, आपकी फैमिली को विकास भी चाहिए। फवारा चौक पर चर्चा खत्म हुई तो ऑटो राजा की टीम निकल गई दिल्ली की मशहूर पराठे वाली गली की ओर। पराठे वाली गली तक पहुंचने के लिए आपको कुछ दूर ऑटो से उतरकर पैदल चलना होता है। श्रीवर्धन और ज्ञानेंद्र के साथ ऑटो राजा की टीम भी पैदल ही जा रही है पराठे वाली गली की ओर। पराठे वाली गली में पहुंचने से पहले ही लोगों ने श्रीवर्धन को पहचान लिया और फिर शुरू हो गई सेल्फी लेने की होड़। सेल्फी का सिलसिला थमा तो शुरू हुई चुनाव पर चर्चा। हाँ हाँ वही है, जब केजरीवाल ने कुछ किया कि ये भी काम चल ही रहा है, बंद हो गया तो चल रहा दोबारा। अच्छा, केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में, पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूलिंग सब फ्री, और फिर भी आप कह रहे हैं मोदी आएंगे। मोदी तो मोदी है, हालत है वही चाहिए, नहीं तो राज्य में कैसे आ जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे ये एक चीज समझाइए, मैं श्रीवर्धन जी ये जानना चाहता हूँ, मैंने दिल्ली का हाल ही बुरा कर दिया केजरीवाल ने, क्या कर दिया, बुरा कर दिया। अच्छा 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 चाचा ये बताइए, गुस्से में काहे हैं, उम्र भी हो रही है, अभी गुस्से मत रहिए, बढ़िया हंसिए मुस्कुराइए भाई। केजरीवाल का ऊपर गुस्सा होना चाहिए, उनका दिल्ली का हाल बहुत बुरा कर, केजरीवाल नहीं है केजरीवाल, वही बात है, दिल से जो निकले वही बात है ना, गुस्से का कारण नहीं बताया। पराठे वाली गली की चुनावी राय समझने के बाद हमारी टीम पहुंची पराठे खाने, और ये वो दुकान है जहां बड़े बड़े लोग पराठे का स्वाद ले चुके हैं। कितने साल हो गए दुकान को? 130 साल। अच्छा ये बताइए, कितने नेताओं को आपने पराठे खिलाए? केजरीवाल भी आए होंगे। अच्छा, बिहारी भी आए होंगे। केजरीवाल कौन जीतेगा भाई? केजरीवाल। आप क्या बोलते हैं? काम किया उन्होंने। पराठे की इसी तरह की यहाँ छोटी छोटी बहुत दुकानें हैं, और हर दुकान में इसी तरह भीड़ लगी रहती है। कुर्सी मिली तो हम भी पहुँच गए, और फिर पराठे की टेबल पर ही शुरू हो गई चुनाव पर बात। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, यहीं बैठिए, एक एक पराठा खिला दीजिए भैया, पराठा का ऑर्डर दे, पराठा यहीं पे खाइए। कैसी मैडम? नहीं आप खाइए, मैं खाता हूँ। तो ये बताइए, ये जो बिजली फ्री हुई है, पानी फ्री हुआ है, ठीक है, ये जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये विकास कैसे होगा, जो दिल्ली के विकास की बात की जाती है, तो वो विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उन्होंने कुछ बनाई होगी ना अपनी पॉलिसी, बनाई सोच के तो करिएगा। कुछ पैसा लिया जाए विकास के नाम पे, हर आदमी अपने पास से देता है। देखो हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो हम विकास के नाम पे ही देते हैं, देश के लिए ही देते हैं ना टैक्स के लिए, वो टैक्स कोई हमारा ही तो रिटर्न हो रहा है, हमारा ही रिटर्न हमें होता है। श्रीवर्धन जी आप एक चीज देख रहे होंगे कि केजरीवाल इस बात को समझाने में बहुत कामयाब रहे हैं कि आपसे मैंने पैसा लिया और आपको मैंने दिया, बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पराठे के साथ होटल के अंदर चल रही ये बातचीत भी हमने खत्म की और बाहर निकले। श्रीवर्धन जी जब चांदनी चौक के इस घने बाजार में आप घूम रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर आप कई शो करते रहे हैं, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। अब दिल्ली चुनाव आ गया है तो महिलाओं से भी बात करना और उनसे पूछना कि आखिर कितनी महफूज है दिल्ली, ये बनता है। और फिर रास्ते में ही खरीदारी करती कुछ कामकाजी महिलाएं मिल गई। इन्हें महिलाओं से महिला सुरक्षा पर चर्चा हुई, जो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हैं दिल्ली में दिन में, और खास तौर से रात को? खास तौर से रात की बात करूं, जैसे अभी इवनिंग टाइम है और मैं कहीं भी क्या बाजार में तो ठीक है, आप यहाँ बाजार में भीड़ भाड़ है, लोग है आसपास, लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा हट जाएं, आई विल ऑलवेज शेयर माय लोकेशन विद समवन। ग्रेट, तो ये मैसेज लोगों तक पहुँचना चाहिए कि आप जहाँ भी रहें, अगर आप गर्ल हैं तो अपनी लोकेशन अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर दे दें, ये जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जो ये गार्गी कह रही हैं कि वो दिल्ली में खुद को बहुत महफूज नहीं मानती हैं, सुरक्षा के लिहाज से और अभी काम होना बाकी है,
आपका क्या मानना है? मैं भी बिल्कुल यही उस गाड़ी की बात से सहमत हूँ। अभी वी डोंट फील सिक्योर। जैसे आपने बोला कि साढ़े चार साल में, देखिए एडवर्टाइजमेंट में काम बहुत हुआ है, पर अगर ग्राउंड लेवल पे एज अ लेडी कुछ काम नहीं हुआ वुमेन सेफ्टी के लिए। आप ये जो बोलते हैं हर DTC बस में मार्शल है, मार्शल सिर्फ आगे बैठा रहता है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है पीछे क्या हो रहा है, और वो भी हर DTC बस में अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में चुनाव 8 फरवरी को होने हैं और 11 फरवरी को आप सबसे तेज नतीजे सिर्फ ABP न्यूज पर देख पाएंगे। दिल्ली में सब बढ़िया चल रहा है ये कहने की स्थिति में हम नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली के ऑटो राजा के पड़ताल का आज पहला दिन था, इसलिए कल हम फिर किसी दूसरे विधानसभा में होंगे। श्रीवास्तव जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने, और दिल्ली क्या कहती है इसे वक्त बताएगा, वक्त को समझना जरूरी है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो ऐसे विकास की नदी कौन बनकर के आता है, दिल्ली इस बात की तस्दीक जरूर करेगी। तो आने वाले समय में हम देखेंगे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे इस बार के चुनाव में कौन कितना धड़कता है और दिल्ली का दिल आखिर किसके लिए धड़कता है। जरूर बने रहिए हमारे साथ रोज रात 8:30 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर।